मैं सोच रहा हूँ ना कि इतनी बातें कैसे पता होती होंगी तुमको। जब आप मिलिट्री में थे तो आप मिलिट्री इंटेलिजेंस के स्पेशलिस्ट थे, और एक दिन हम जो है हेलीकॉप्टर में माड़ा जा रहे थे आपके साथ, तो माड़ा जाते समय आपने मुझे कुछ बातें जो है विदेशों के बारे में बताई कि चीन में क्या होता है, पाकिस्तान में क्या होता है, दूसरी सेना कैसे करती है। तब उसने मैंने पूछा कि सर आपको इतना सारा कैसे चाइना के बारे में, और जब भारत की सेना में थे आप तब चीन के भी विशेषज्ञ थे भारत के। अब टीवी का कार्यक्रम है, मैं अगर सर के बारे में बोलूंगा तो एक घंटा इसमें लग जाएगा। आपकी उपस्थिति हमको निश्चित रूप से ऊर्जा और शिक्षा दोनों प्रदान कर रही है, और हमारे स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा आज अनेकों अनेकों अभियान चलाए जा रहे हैं। प्रातः काल से भारत प्रदान का कार्यक्रम चल रहा है, टीवी में मुक्त का कार्यक्रम चल रहा है, आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत और हमारे कृषि मंत्री। आज कितना संयोग है, आज प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है। आज सवेरे से मैं अभी ये छठे या सातवें कार्यक्रम में आ गया, प्रातः काल जहां हम लोगों ने आज सेवा सप्ताह जो है स्वच्छता के रूप में शुरू किया मेजर चित्रेश बिष्ट और मेजर विभूति ढोनियाल के घर से, मैंने और सुनील वर्मा जी साहब मेयर साहब, तो वही कृषि मंत्री जी ने अभी जो है सगंध के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में और जहाज के क्षेत्र में काम करने वाले ऐसे किसान जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किए, माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस के अवसर पर आज आपने उन सभी को अभी सम्मानित करवाया है, मेरे हाथों सम्मानित करवाया है। इसे हमारे कृषि मंत्री गणेश जोशी, हमारी लोकप्रिय सांसद और लगातार हम सब लोगों के बीच में हमेशा बातें उनकी बहुत ही सरल होती हैं, लेकिन निर्णय अगर कठोर करने हो तो उसमें पीछे नहीं रहती। आदरणीय माला लक्ष्मी शाह जी, हमारे मेयर साहब देहरादून के, उन्होंने देहरादून को क्लीन सिटी और ग्रीन सिटी बनाने का अभियान लिया है। इस सभागार में उपस्थित हमारे विधायक आदरणीय सुजान दास, आदरणीय सविता कपूर जी, आदरणीय ब्रजभूषण अरोड़ा जी, हमारे संगठन मंत्री आदरणीय अजय जी, भाई विनोद जी और सभी आए हुए सभी स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारी गण, अन्य विभागों से आए हुए और ऐसे भाई बहन जिनको आज हम सब लोग उनको इस बात के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं कि जल्द ही आप स्वयं भी टीबी मुक्त होंगे और पूरा हमारा उत्तराखंड और पूरा देश टीबी मुक्त होगा। आज के इस अवसर पर मैं आप सभी को बहुत बधाई देता हूं कि एक शानदार कार्यक्रम हमारे स्वास्थ्य विभाग के द्वारा भारत सरकार ने प्रारंभ किया है, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण द्वारा 2024 तक 24 से मतलब 24 से 25 अरे भारत सरकार ने 25 किया है, तो हमने 2024 तक एक साल पहले हमने लक्ष्य लिया है कि हम 2024 तक पूरी तरह से टीबी मुक्त होंगे, और उस दिशा में हम सभी को काम करना होगा। भारत सरकार के द्वारा अनेकों अनेक योजनाएं चलाई जा रही है, जहां कृषि के क्षेत्र में कृषकों की आय दुगना करने के लिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जहां आयुष्मान भारत की योजना चल रही है, वहीं टीबी उन्मूलन के क्षेत्र में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान चल रहा है। ऐसे अनेकों क्षेत्र, मतलब हर विभाग कोई नए नए कार्यक्रम, नई नई नीतियां, ये सब कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद प्रारंभ हो गए, और सबका लक्ष्य निर्धारित। जहां राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई और राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी उत्तराखंड की सरकार ने सबसे पहले अडॉप्ट की, सबसे पहले लागू की, उसमें भी हमारा प्रदेश सबसे अगर, उसमें भी हमने लक्ष्य दिया है कि 2030 तक हम नई शिक्षा नीति के अनुरूप पूरे प्रदेश को उस
उसके अनुरूप बना देंगे, नई शिक्षा नीति को पूरी तरह से लागू कर देंगे। और जहां भारत सरकार ने 2025 लिया है, वहीं हमने 2024 लिया है, और इसमें सभी का सहयोग, सभी की भागीदारी से इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा रहा है। क्योंकि सरकार एक व्यवस्था है, डॉक्टर राजेश ने यहां से सारी बातें विस्तार से बता दी कि सरकार एक व्यवस्था के तहत काम करती है, लेकिन सरकार की व्यवस्था में जब सबका सहयोग होता है, समाज का सहयोग होता है, स्वयंसेवी संस्थाओं का सहयोग होता है, सामाजिक संगठनों का, सामाजिक लोगों का, आम व्यक्ति का, तो जो लक्ष्य प्राप्ति होती है वो पहले हो जाती है। इसलिए हम लोगों ने माना है कि उत्तराखंड के अंदर हमको जन सहभागिता और जन सहयोग और हमारे जो सामाजिक संगठन है, स्वैच्छिक संगठन है, सामाजिक कार्यकर्ता है, राजनीतिक कार्यकर्ता है, सभी लोग आगे आकर इसमें सहयोग करेंगे तो हम एक साल पहले इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। टीबी मरीजों के पोषण संबंधी, इनके जीवन यापन से संबंधित इन विषयों को लेकर 9 सितंबर 2022 को माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा, भारत की माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान प्रारंभ किया गया है कि टीबी रोगियों के उपचार के अतिरिक्त पोषण एवं जांच में किस प्रकार की सहायता की जाए और इसके परिणामों में कैसे सुधार किया जाए कि 2025 तक पूरे भारत के अंदर हम ये संकल्प लें कि पूरी तरह से टीबी मुक्त करेंगे। इसमें जहां सामाजिक संगठनों का, राजनीतिक व्यक्तियों का, समस्त समाज का, सबका सहयोग जरूरी है, वहीं सीएसआर जो कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की कमेटी है उससे भी हम सब लोगों को लाभ लेना है। हालांकि हमारे यहाँ टीबी रोगियों की संख्या 15,158 है और जिसमें से अभी जनसिंह ने बताया कि 80% लोगों ने अपना जो है कह दिया है कि हमारे इलाज के लिए, हमारे गोद लेने के लिए हम जो है पूरी तरह से हम तैयार हैं, कोई भी हमको ले सकता है। और इसमें इसके अनुकूलन के ये अच्छे संकेत है कि इससे जल्दी से जल्दी हम टीबी मुक्त होंगे और इसमें सभी कार्यक्रम हमारे यहाँ आप देख रहे होंगे मंच पर हमारे आदरणीय राज्यपाल महोदय ने, हमारे सांसद महोदया ने, हमारे मंत्रीगणों ने, हमारे मेयर साहब ने, विधायकगणों ने और समाज के बहुत सारे लोगों ने आगे आकर अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है। और इन्होंने 6 मित्र एक मित्र के रूप में सभी को इस काम में आगे बढ़ना है। यह कार्यक्रम इसलिए है कि जो हमारे 15,158 एक्टिव क्षय से ग्रसित हमारे भाई बहन हैं, उन सभी को इससे मुक्त करना है, उत्तराखंड को मुक्त करना है। और जो हमारे प्रधानमंत्री जी का संकल्प है एक भारत श्रेष्ठ भारत, तो हर दिशा में हम सब लोग आगे बढ़ेंगे तो मैं समझता हूं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत बनने में हमको कोई रोक नहीं सकता। उसमें एक एक विभाग का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, हर विभाग इसी तरीके से काम कर रहा है। अभी अभी हम लोगों ने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया और आजादी के 75 साल पूरे होने पर जहां हमने तमाम उपलब्धियों का और तमाम जो हमारी प्राप्त जो हमारी आविष्कार है, तमाम प्रकार के जो नाना प्रकार की चीजें, वो कहती है कि मैं भी हूं और मेरा जीवन भी पूरे समाज के लिए है, पूरे प्राणी मात्र के लिए है, मानव समाज के लिए है, अपने देश के लिए है, राष्ट्र के लिए है, समाज के लिए है। तो दोनों में अंतर है, ठीक है, वहां पर ज्ञान विज्ञान के कारण से, अनुसंधान के कारण से कहीं चीजें आगे चली गई, लेकिन फिर भी भारत की जो पद्धति है वो श्रेष्ठ पद्धति है। इसलिए हम सब लोग इस भारत भूमि में पैदा हुए और हमको आज एक ऐसे व्यक्तित्व का नेतृत्व मिला हुआ है जिसके कारण से भारत आज दुनिया में एक अलग पहचान बना चुका है। हर भारतवासी को गर्व होता है कि मैं भारतवासी हूं, मैं हिंदुस्तान का रहने वाला हूं। ऐसा भारत बनाने का काम किसी ने किया है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। आज उनका जन्मदिन है, मैं भगवान बाबा केदार से प्रार्थना करता हूं कि वो दीर्घायु हो, शतायु हो और स्वस्थ रहे और लंबे समय तक, दीर्घकाल तक उनका नेतृत्व हमारे देश को प्राप्त होता रहे, जिससे कि हमारा देश पुनः विश्वगुरु बने और पूरी दुनिया का नेतृत्व करने वाला बने। आज के अवसर पर मैं आप सभी का धन्यवाद करते हुए
और शुभकामनाएं देते हुए कि जल्दी हम दो एक वर्ष पूर्व ही क्षय मुक्त होंगे, टीबी मुक्त होंगे और जो हमारा संकल्प है वो पूरा होगा और भारत सरकार से एक वर्ष पूरा पहले हमारा संकल्प पूरा होगा। ये संकल्प लेते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।